माँ काली के अपमान पर बंगाल की राजनीति में नया उफान है। जबरदस्त घमासान वहां मचा हुआ है क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे पर पूरी तरह हमलावर दिखाई दे रही है। वहीं टीएमसी की घेराबंदी की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन और इस लड़ाई में महुआ मोइत्रा अकेली पड़ गई हैं क्योंकि टीएमसी ने इस विवाद से किनारा कर लिया और महुआ को ये जंग अपने बूते लड़ने के लिए छोड़ दिया है। Bali to me is a meat eating, alcohol accepting. माँ काली का मूर्ति को लेकर हम लोग रैली करूंगा। बंगाल में लंबे अरसे बाद शोले धधक रहे हैं। एक बार फिर बीजेपी टीएमसी का आमना सामना है। दोनों ओर से तलवारें चमकाई जा रही हैं, ताकत दिखाई जा रही है। बंगाल में आए इस नए सियासी भूकंप के एपिसेंटर में है टीएमसी की फायर ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में महुआ की एक टिप्पणी ने चिंगारी बनकर बंगाल के सियासी बारूद खाने में आग लगा गई। Bali to me is a meat eating, alcohol accepting goddess. To me, that is a version of Kali. And if you go to Tarapeeth and around Tarapeeth and around all of them, you have all the sadhu smoking, all of that. That is the version of Kali that people worship. महुआ की इसी टिप्पणी पर बंगाल में नगाड़े बजने लगे। बीजेपी ने एक और युद्ध में कूच का ऐलान कर दिया। महुआ के खिलाफ बीजेपी की महिला विंग सड़क पर उतर आई। दिलीप घोष से लेकर शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता मोर्चे पर नजर आने लगे। ये छोड़ने वाला नहीं है। बंगाल में बार बार हिंदू देव देवी के ऊपर घटिया शब्द, ममता बनर्जी खुद जय श्री राम को गाली बताई, महादेव जी की शिवलिंग को अपमान हुआ, ये लास्ट है काली माता का अपमान। दोखलेपन क्यों है? केवल राजनीति के लिए? आप बोलते मैं बंगलार में, तो ठीक है बंगलार में, गोवा जाके बोलते हम गोवार में, माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं है, कुछ भी बोल देंगे हम कहीं जाकर के, क्या मतलब होता है इसका? एक नेता पब्लिक जिसको चुना है और सत्ता में आने के बाद कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है किसी के बारे में। महुआ अचानक निशाने पर क्यों आई, इसके पीछे की कहानी बेहद छोटी है। फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई ने एक पोस्टर में माँ काली की वेशभूषा में सिगरेट पीती एक महिला को दिखाया। इस पर सवाल उठा, लेकिन महुआ ने अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थन में ठेस लगने वाली टिप्पणी कर दी। बस यही महुआ खुद भी मुश्किल में फंस गई और टीएमसी को भी मुश्किल में फंसा गई। By issuing a statement insulting the prophet of Islam religion, Nupur Sharma has hurt the sentiments of millions of Muslims all over the country. Still, the BJP takes a stand and gets Nupur Sharma arrested. They have no right to speak about anything else. अब इस लड़ाई में महुआ अकेली खड़ी है। बंगाल में बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है, शहर दर शहर मुकदमे हो रहे हैं, अपनी ही पार्टी ने साथ छोड़ दिया है। निजी टिप्पणी बताकर टीएमसी किनारे खड़ी हो गई है। फिल्म मेकर लीना ने तो पब्लिसिटी बटोर ली, आज एक और ट्वीट जारी कर दिया। ट्वीट में नई तस्वीर दिखाकर विवाद को और आगे बढ़ा दिया, लेकिन महुआ अकेली रह गई। माँ काली पर विवाद की जो खाई महुआ ने खोदी थी, उसमें वो खुद फंस गई है। सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक। काली के अपमान पर घमासान में आखिर क्यों ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को किला छोड़ दिया? आखिर क्यों टीएमसी ने इस मामले से खुद को किनारे कर लिया? इसकी वजह है नुपुर शर्मा का विवाद। टीएमसी के सामने एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली नौबत है। नुपुर शर्मा का विरोध और महुआ का समर्थन एक साथ नहीं किया जा सकता। तो आइए हम आपको महुआ से ममता की दूरी की इनसाइड स्टोरी बताते हैं।
काली टू मी इज अ मीट ईटिंग यू नो अल्कोहल एक्सेप्टिंग गॉडेस टू मी। माँ काली का मूर्ति को लेकर हम लोग रैली करूंगा। ये पार्टी सीधा सीधा एंटी सनातनी पार्टी। अभिव्यक्ति की आजादी की हिमायत करते करते महुआ मोइत्रा ने ऐसी टिप्पणी कर दी कि वो खुद उनके लिए ही घातक हो गई। अब वो राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर हैं, धार्मिक नेताओं के निशाने पर हैं, और तो और अपनी ही पार्टी के निशाने पर हैं। किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए, किसी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए। अभी काली माँ का अपमान किया गया है, आज आपने देखा होगा FIR मध्य प्रदेश में हो गई है। हमने कहा भाई हम नहीं छोड़ेंगे, मैया का अपमान भी सहन नहीं करेंगे, किसी की आस्था को चोट किसी भी कीमत पर नहीं पहुंचानी चाहिए। नुपुर शर्मा ने सही कह दिया तो पूरे देश में आग लग गया, पूरे विश्व में भूचाल आ गई। और सनातन धर्म संस्कृति का आप मजाक उड़ाओगे? क्या चाहते हो तुम्हारे भी सरतन से हो जाए क्या? ये इच्छा है क्या आपकी? ऐसा नहीं चलेगा। आई थिंक दैट every religion we should have respect, faith in I have my faith in my religion and I respect every religion। यानी कि इस वक्त महुआ का कोई मददगार नहीं, उनकी अपनी पार्टी भी नहीं, उनकी नेता ममता बनर्जी भी नहीं। राजनीतिक मजबूरी ने ममता को मौन रहने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि माँ काली बंगाली मानुष की धार्मिक आस्था की बड़ी प्रतीक है। माँ काली की आराधना बंगाली समाज के संस्कार से गहरी जुड़ी है। महुआ का बचाव किया तो बंगाली समाज की आस्था आहत हो सकती है। महुआ के साथ खड़े होने का मतलब बीजेपी के विरोध को और ताकत देना होगा। टीएमसी के सामने बड़ी मुश्किल ये भी है कि वो नुपुर पर बीजेपी को घेरते हुए महुआ का बचाव नहीं कर सकती। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में ही ममता बनर्जी नफरत की राजनीति पर भरपूर चोट कर चुकी है। Why she was not arrested? You tell me. Why she was not arrested? Yes. Why? Now you are saying because court has given some observation. Yes. And it is not only now. We have done case against earlier also. ना पार्टी का साथ है ना नेता का समर्थन, लेकिन महुआ मोइत्रा कदम खींचने को कतई तैयार नहीं है। उन्होंने अपने डिफेंस में ट्वीट कर कहा है, मैं ऐसे भारत में नहीं रहना चाहती जहां बीजेपी के आदिम पितृ सत्तात्मक ब्राह्मणवादी हिंदुत्व का राज हो और बाकी सब लोग धर्म के इर्द गिर्द चौकन्ने होकर खड़े रहें। मैं अपने विचारों के हक में मरते दम तक खड़े रहूंगी। अपनी FIR दर्ज करते रहो, इस देश की हर अदालत में तुम्हारा सामना करूंगी। महुआ अड़ी है और टीएमसी घिरी है। महुआ पर हर हमला दरअसल ममता बनर्जी पर हमला है और ये फिलहाल जारी रहने वाला है। सूर्याग्नि रॉय इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक।